स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से ले और शिमला से निकली साइकिल रैली रविवार को अंबाला कैंट पहुंची। बता दें कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा के तहत इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। एनसीसी कैडेट्स देश भर में ऐसी साइकिल रैलियों के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। रविवार को ले और शिमला से कैंट पहुंची साइकिल रैली में शामिल युवाओं का भव्य अभिनंदन किया गया, साथ ही बैटन एक्सचेंज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सर, इस जो रैली है, इसका जो मेन मकसद है, वो है स्वच्छता की। स्वच्छता ही सेवा है जो मोदी जी ने नारा लगाया है, और यही हम अपने पूरे देश में डिफरेंट 17 डायरेक्टोरेट से रैली निकल रही है अलग अलग रूट से, और ये जाके मर्ज होंगे 27 सितंबर को दिल्ली में। तो सब जगह से यही एक हम जो है स्प्रेड करते चल रहे हैं कि एक तो हमारा स्वच्छता अभियान का, ठीक है सर, और एक यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है हमारा जो बेसिक रहता है। कितने लोग आप ये रैली में निकले हैं? यस सर, बेसिकली रैली स्टार्ट हुई है लेह से, लेकिन हम लोग आ रहे हैं अभी चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से हम 15 कैडेट्स निकले हैं, और हमारे साथ एक एनओ सर हैं, तो वहाँ से निकले हैं और साइकिलिंग करते हुए हम यहाँ पे अंबाला ग्रुप हेडक्वार्टर्स पहुँचे। कैसा लग रहा आपको सर? इट फील्स ऑसम सर, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी मतलब यू नो प्राउड फील हो रहा है कि इतनी दूर से हम साइकिलिंग करते हुए आए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। किस तरह से मैसेज दे रहे हो? ये सर, जैसे हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो बीच में कई लोगों ने हेलमेट्स वगैरह नहीं डाल रखे थे और सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, तो हम लोगों को यही मैसेज स्प्रेड करते आ रहे थे कि बी सेफ, ड्राइव सेफ, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने घर वालों के लिए, मतलब कि सेफ रहिए आप। और आसपास जैसे हम कहीं बीच बीच में स्टॉपेज था हमारा, तो वहाँ पे हमने लोगों को ये मैसेज भी दिया कि अपने अगर आप स्वच्छता रखेंगे तभी हमारा देश जो है वो हेल्दी रह पाएगा, और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता स्वच्छ रहना, ये सिर्फ अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है और अपने आसपास को स्वच्छ रखना है बस। यहाँ पहुँचने पर ग्रुप कमांडर एवं शौर्य चक्र के विजेता ब्रिगेडियर राजेश्वर सिंह ने साइकिल रैली में शामिल युवाओं का हौसला बढ़ाया। साइकिल रैली में शामिल युवा जगह जगह नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। ब्रिगेडियर राजेश्वर सिंह ने कहा कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने की इस पहल का असर दिखने लगा है, धीरे धीरे लोग स्वच्छता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने लगे हैं। ये हमारी एनसीसी के द्वारा स्वच्छता जागरूकता स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रैली निकाली गई है। ये पूरे हिंदुस्तान से कैडेट्स चले हुए हैं, जो 2021 से हमारे पास हमारी स्टेट्स में पहुंचे हैं हरियाणा में, एंड उसके बाद ये आगे जाएंगे, आगे 27 तारीख को पहुंचेंगे। रास्ते में ये एक बैटन लेके दूसरे वाले कैडेट्स जो आगे रैली में होंगे उनको पास करेंगे, एंड 27 को ये लोग इंडिया गेट में रक्षा राज्य मंत्री और DGNCC द्वारा रिसीव किए जाएंगे, और उसके बाद फंक्शन वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य हरेक नागरिक के अंदर स्वच्छता के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और दृष्टि के तहत सबको जागरूकता पैदा करना है, और हम चाहते हैं कि जो हमारी स्वच्छता जो एक सोच है हमारे सामाजिक जीवन में आ जाए। हम लोग घर में रखते हैं लेकिन सोसाइटी में इतना नहीं कर पाते, वो चीज़ जो है वो हमें अपने आप में लानी है। इसकी जागरूकता एनसीसी कैडेट्स जो कल के फ्यूचर लीडर्स हैं उनसे बढ़कर कोई नहीं पहुँचा सकता, और एनसीसी दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी बहुत पहुंच है नागालैंड से लेकर राजस्थान के जैसलमेर तक, लेह से लेकर कन्याकुमारी तक, हर जगह एनसीसी कैडेट्स हैं। ये प्राइम मिनिस्टर्स का संदेश लेके सब भारतीय नागरिकों को रास्ते में पहुंचाते हुए 27 को आ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि ये रैली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी। गौरतलब है कि ले और शिमला से चली साइकिल रैली अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और रोहतक होते हुए 27 सितंबर को दिल्ली पहुंचेगी। न्यूज़ डेस्क।